सबसे पहले तो भारत की काशी को हर हर महादेव। बहुत ही शानदार इवेंट रहा। मैं अपने मॉडल भाई और बहनों से बैक स्टेज बात कर रहा था, कहा था कि यार हम कई सारे फैशन शोज करते हैं लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है हम सब के लिए। मुंबई के किसी फाइव स्टार के बैंक्वेट से अच्छा यहाँ आकर गंगा किनारे ये शोकेस प्रेजेंट करना जो विश्व प्रसिद्ध मनीष मल्होत्रा साहब ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को। इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है और वी डीपली अप्रिशिएट एवरीथिंग श्री नरेंद्र मोदी हैज डन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द बुनकर कम्युनिटी। एंड आई थिंक टुडे विल बी एन इंस्टेंस, यू नो, वी डिड द वी वेंट टू द टेंपल और जिस तरह की एनर्जी थी, जिस तरह की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, आई डोंट थिंक दिस इज अ डे और एन इवनिंग दैट आई विल एवर एवर फॉरगेट। आपको क्या लगता है पिछले बार भारतीयता को एक बहुत अहमियत मिली है और क्या हम आज उस सबको प्राइड की तरह एंजॉय करते हैं? बिल्कुल मैम, काशी एज एन एग्जांपल आप ले लो, 10 साल पहले ये सब नहीं था। जिस प्रयास से मोदी जी ने यहाँ पर बदलाव लेकर आए हैं, सुधार लेकर आए हैं, पीपल फ्रॉम नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड कम टू एक्सपीरियंस द डिविनिटी दैट इज present in Kashi but with a lot of difficulties. Now we have world class facilities and for everybody to come here and experience Kashi for the splendor and grandness that it has, and that's it's almost representative of our nation and where we are as a nation, a blend of past and present, of the fact that we as a people are very very proud of our rich cultural heritage and our legacy. And we don't forget our past, we celebrate our past as we march on towards the future. We thrive in the present and are very, very confidently marching on towards the future with purpose and intent. And I have to say that it has, this entire day, this visit has been an experience that I will never forget. मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनको इतना अच्छा लगा कि मनीष साहब ने उनके लिए एक पूरा शोकेस क्रिएट किया है। जिस तरीके से हमारे बुनकर भाई ने आकर स्टेज पर बयां किया कि ये इट इज द बुनकर कम्युनिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ग्रेट एंड सेक्युलर नेशन। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे कुछ हैंड वोवन पहनना है जो हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को जताए, दर्शाए। बहुत बड़ा मौका था, मेरी लाइफ का सबसे अहम पल था। विज्ञान भवन में जाना, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट मैम से वो पुरस्कार मिलना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमारे भारत को दिखाए। और बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिजाइन की थी और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ, बुना हुआ काम है। बनारसी साड़ी और हमारी हेरिटेज, जो हमारी बुनकर कम्युनिटी है, जो समाज है, जो वो बुनते हैं, एक एक कपड़ा जो है उसे कितने दिन लगते हैं, कितने प्यार से, खाली पैसे के लिए नहीं, दिल से किया जाता है ये काम। और सबसे खास बात होती है कि वो एक ही पीस होता है, उस पीस के जैसा और कोई नहीं है। मशीन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, जो मुझे लगता है कि भारत के बाहर पूरी दुनिया में दिखना चाहिए। एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड ग्लैड कि मैं आज इस मौके का एक हिस्सा बन पाई, इस इनिशिएटिव का, जो विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी। आई थिंक काशी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस प्रयास के लिए, क्योंकि काशी एक ऐसी सिटी है जो जिसमें इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में,
श्री नरेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज़्यादा विकास हुआ है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो, चाहे कितने नए सारे धाम आए हैं, कितने नए घाट्स आए हैं, रेनोवेशन हुआ है कॉरिडोर का, पर उसके साथ साथ जो जो फीलिंग आती है काशी में, जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, दिल काशी का वही है। तो बाहर की जो बॉडी है वो काफी चेंज हुई है, रिवैम्प हुई है, मॉडर्नाइज हुई है, लेकिन दिल वही है, एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट आवर कल्चर। आज मंदिर में ना सबके चेहरे पर वो रौनक थी, सबकी आंखें चमक रही थी, बट दैट इज द पावर ऑफ द एनर्जी दैट इज हेल्ड विद इन दिस एब्सोल्युटली स्पिरिचुअली स्पेशल प्लेस। इवन दिस शो जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सबको, और रणवीर आप उन सबको जो आपको दे लुक फॉरवर्ड टू यू, और उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें अपने विरासत को संभाल के रखना है और किस तरीके से? मैं भारत के हर युवा को ये बताना चाहता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्राइड इन द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर ग्रेट नेशन। एज आई सेड, we celebrate our past and our roots, we thrive in the present and we march on towards the future with purpose and intent. Of course, ye jo mahina chal raha hai, it's a very significant month. To main sare yuvaon ko appeal karna chahunga ki do not lose sight of your responsibility. Aap is bharat varsh ka aaj hain aur kal hain. To be take cognizance of the responsibility that lies with you and certainly go out and vote. मैं यही कहना चाहूंगी, ऑफ कोर्स राइट टू वोट सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वुड लाइक टू सी इन द वर्ल्ड। सो वो चेंज जो है वो वोटिंग से शुरू होता है, सो ऑफ कोर्स डू गो आउट एंड एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। उसके साथ साथ आई रियली रियली एम वेरी प्राउड कि भारत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में हम जिस तरह से दुनिया में कई जगह तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कल्चर विच वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ, विच आई थिंक इज वेरी वेरी यूनिक, आई थिंक वी आर टेकिंग दैट विद अस, तो विकास भी विरासत भी। अब हम बुलाते हैं उस मैजिशियन को। मैं काशी बहुत बार आया हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है काशी आना। मैं वीवर से भी मिला हूँ पहले, और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूँगा। तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं, इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। कई बार मैं यहाँ बोर्ड पे मुझे शाम को और बहुत जल्दी सुबह को आरती पे आना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज़, एंड क्योंकि यहाँ एक फनकारी है जो बहुत खूबसूरत है, एंड जगह भी मुझे बहुत काम अपने आप को महसूस होता है, आई स्टे विद माई थॉट्स। मगर मेरे लिए आज का ये शो, मैं बहुत नर्वस था बैक स्टेज कि सब अच्छा हो, यू नो, ये सब ठीक हो, एंड जैसे कृति ने कहा, मेरे लिए बहुत अलग सा शो था, बिकॉज मेरे शोज के अंदर बहुत सा ग्लैमर होता है या सीक्वेंस एंड यू नो एम्ब्रॉयड्रीज एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कभी कभी हम उन एम्ब्रॉयडरी के पीछे छुपते हैं क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि वो काम दिखे, और यू नो, बट आई थिंक इस बार ध्यान ज़्यादा था कि यू नो सब जो हैंडलूम है और जो यहाँ के फनकार हैं, जो बुनकर कम्युनिटी है, उनका काम देखे, एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर डूइंग अ शो समवन लाइक मी, स्पेशली इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ शो लाइक दिस, तो मेरे लिए बहुत यूनिक था, बहुत स्पेशल था। रणवीर इज वेरी स्पेशल बिकॉज ही इज वर्क, कितना यादगार पल रहा स्टेज पर, बुनकर समाज के हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ खड़े रह के हाथ में हाथ डाल के अपनी कारीगरी को सेलिब्रेट करें लोग, जैसे कि मैंने कहा आज की शाम बुनकर समाज के नाम, टुडे वाज ऑल अबाउट देम, एवरीबॉडी वाज हियर टू सपोर्ट। मनीष, तो आप प्लेज करते हैं कि आप इस कला को पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे? बिल्कुल, कला को एक नया रूप देंगे, बिल्कुल, जैसे है लोकल फॉर ग्लोबल, मैंने हमेशा ये करने की कोशिश की है, मैं और भी इसे करूंगा, खास करके जैसे कि ये मेरा काम है जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, and I think for me it's very important that we take all our fabrics and our handloom and our great karigars all over the world, and their work should shine all over the world. Very, very heartening to see them all on stage together, being celebrated. One of the best moments
ऑफ माय लाइफ आई वुड से आई विल नेवर फॉरगेट दिस शो. थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर. थैंक यू. हर भारतीय के लिए जो भारतीयता में विश्वास करते हैं. हर हर महादेव.